एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो सबसे पहली बात, हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। और ये वीडियो आते आते तो करवा चौथ ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं दिल से विश कर रही हूँ। तो गाइज, ये वाली जो सीन आप देख रहे हैं मेहंदी वाली, ये करवा चौथ के दिन के एक दिन पहले की रात का सीन है। तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी, कैसे क्या प्रिपरेशन मैं की और कैसे तैयार होना हर चीज़। तो अभी हस्बैंड घर पे है नहीं, आशवी और सिर्फ मैं हूँ। हस्बैंड पढ़ाई करने के लिए गए हैं, क्योंकि अब उनका एग्ज़ाम एक दिन करवा चौथ के कल होके उनका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो इसीलिए, और यहाँ पर देखिए, मैं खुद से अपना मेहंदी लगा रही हूँ। तो एक हाथ में तो मैं अपना कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से लगा लूँ, और जो डिज़ाइन वगैरह होता है ना, क्या होता है कि हम बहुत बार ना फ़ोन खोलते हैं एंड उसमें ना बहुत सारा डिज़ाइन देखते हैं, फिर डिज़ाइन देखते देखते समझ में भी नहीं आता और दिमाग भी घूम जाता है। तो एट द लास्ट हमें बस घूम फिर के एक यही डिज़ाइन, जो भोमरो डिज़ाइन ये वाले बोलते हैं, हमें यही डिज़ाइन लास्ट में हम फाइनल करते हैं जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेरे साथ तो यही होता है, आई होप आप लोगों के साथ भी, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा। और जिनको अच्छे से लगाने आता है उनके साथ तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और जो बाहर से लगवा लेते हैं उनके साथ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो खुद से भी लगाती है, तो वो जब फ़ोन ऑन करते हैं तो हम इतना सारा डिज़ाइन देखते हैं, फिर कुछ समझ में नहीं आता है, तो लास्ट में हम यही लगा लेते हैं और इससे खुश भी हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मेरा आगे जो फ्रंट हैंड का जो था वो हो गया है, और अब बैक हैंड पीछे की तरफ लगा रही हूँ। तो अब आप टाइम देख ही सकते हैं, 10 बज रहा था और अभी तक हस्बैंड आए नहीं थे। तो इस तरीके से देखिए, एक हाथ का मेहंदी मेरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा स्वीट एंड सिंपल भी पसंद है, तो मुझे खुद पर भी अच्छा लग रहा था कि चलो बहुत ही बढ़िया है। तो अभी मैं रूम में आई तो आशवी उठ गई थी, और मैं यही सोच रही थी कि अच्छा हुआ मैं राइट हैंड में नहीं लगाई, अगर मैं लगा लेती तो आशवी को कैसे उठाती, और अगर आशवी को उठाती तो फिर पूरा मतलब मेहंदी ही ख़राब हो जाता है। यही सोच के मैं आशवी के ही सोच करके मैं एक हाथ में मेहंदी नहीं लगाई थी। तो अब मैं वेट कर रही हूँ हस्बैंड का, और आशवी भी वेट करी, और देखिए लगभग 11:30 बज रहा था, और अभी हस्बैंड का आते आते 12 बज गया था। तो 12 बजे रात को हम मेहंदी लगा रहे थे, तो हस्बैंड भी मेरा मेहंदी लगाने में हेल्प कर रहे थे। तो एक हाथ में थोड़ा सा होता है ना, वो भी मतलब कुछ कुछ कर दे रहे थे, मेरा हेल्प कर दे रहे थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा हो गया, ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा लगाने में मेहंदी हस्बैंड आने के बाद, और फिर वो थोड़ा आशवी को भी संभाल रहे थे, तो इस चक्कर में मेरा हो गया, नहीं तो और लेट हो जाता। मेहंदी कंप्लीट होते होते 12:30 से भी ज़्यादा ही हो गया था, 1 बज गया था। और ये देखिए हमारा जो मेरा मेहंदी है फाइनल लुक आप देख ही सकते हैं। तो चलिए, अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गया है, तो सोची कि मॉर्निंग का भी कुछ कुछ आपको जो होम एक्टिविटीज़ जो मैं करती हूँ, तो वो सोची कि वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो सुबह जल्दी उठ गई थी, और इस तरीके से पूरे घर में अच्छे से मैं जो झाड़ू वाला, झाड़ू पोछा वाला जो भी काम होता है फटाफट मैं निपटा लूँगी, क्योंकि क्या होता है आज के दिन हमें ना सारा काम जल्दी जल्दी निपटाना होता है, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना, को कुछ पेंडिंग नहीं रखना होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बर्तन भी थे जो पूजा के जो बर्तन वगैरह होते हैं, तो इसको भी मैंने पीताम्बरी पाउडर से अच्छे से इसे वॉश कर लिया, अच्छे से क्लीन कर लिया। आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा चमक रहा है। तो इसमें से जो अभी मैं जो घर पे पूजा करूँगी अभी नॉर्मल, तो इसमें से एक दो मतलब बर्तन ले लूँगी, और कुछ ऐसे धूप में सूखने दूँगी क्योंकि अभी अच्छे से सूखा नहीं है। तो अभी आशवी यहाँ पे देखिए सो रही है, तो आशवी को सब कुछ खिला वगैरह कर खिला दी, और इधर से सुला भी दी हूँ, और मैं अपना पूजा कर रही हूँ। तो गाइस, आज बहुत सारा चीज़ है मैं जो डेली व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, आशवी को क्या खिलाती हूँ, सब मैं आप लोगों के साथ A to Z अपना रूटीन शेयर करती हूँ। लेकिन आज के वीडियो में मैं जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ही शेयर कर रही हूँ, तो काइंडली प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत सारा चीज़ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो बस इतना ही है, तो आई होप आप समझिएगा। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मेरी वीडियो को पूरा देखिए। और आपको पता है क्या गाइज, आज मेरे हस्बैंड ने भी करवा चौथ का व्रत रख ही लिया था एक तरफ से, तो वो कैसे हुआ मैं आपको वीडियो के थोड़ी देर बाद में बताऊं। तो अभी पूजा मेरा कंप्लीट हो गया है, तो बहुत ही पीस सा मन लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब मैं सोची कि चलो फटाफट थोड़ा श्रृंगार वगैरह जो भी करना होगा वो कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आलता वगैरह भी मैं लगाऊंगी, तो ऐसे हमारे यहाँ पे आलता बोलते हैं, फिर बहुत लोग महावर भी बोलते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की जगह में इस आलता या महावर को क्या और दूसरा नाम से भी बुलाते हैं। मुझे तो ये बस दो नाम ही पता है, इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ, और भी कुछ नाम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
तो हम में ना क्या होता है कि कोई भी अगर पूजा पाठ करना होता है तो आलता वगैरह लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, और ये हमारा कंपलसरी है, हमें आलता लगाना ही होगा अगर हम पूजा वगैरह कुछ भी करते हैं। तो बहुत ही मन था कि चलो डिज़ाइन वगैरह कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आज मैं पहली बार आलता से ना इस तरीके से डिज़ाइन बनाई हूँ, ऐसे मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं सोची कि चलो थोड़ा अच्छा सा डिज़ाइन वगैरह कुछ बनाती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मैं पायल नहीं पहनती हूँ, लेकिन यहाँ पर आज पूजा था तो सोची कि आज पूरा 16 सिंगार हमें करना है, तो इस तरीके से मैं सब कुछ अच्छे से आज मैं पहनूंगी, एकदम अच्छे से, एकदम दुल्हन की तरह ही तैयार होंगे, क्योंकि करवा चौथ में हमें एकदम अच्छे से दुल्हन की तरह ही तैयार होना होता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपने बिछवे है जो वो भी चेंज किया और दो बिछवे पहने, साथ ही में पायल भी पहना, और एट द एंड मैं यहाँ पे नेल पेंट भी लगा रही हूँ। तो नेल पेंट मैं गोल्डन कलर का लगा रही हूँ, क्योंकि ना इससे थोड़ा हाईलाइट होगा, नहीं तो अगर मैं रेड या मरून लगाती ना तो पता ही नहीं चलता, फिर वो जो आलता में ना मर्ज हो जाता। तो इस तरीके से मेरा आलता नेल पॉलिश वगैरह लगाना भी अच्छे से हो रहा है, और अभी मैं अपने हाथ के भी नेल्स में लगा लूँगी तो एक ही तरफ में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और आश्वी भी सोई हुई है तो वो बहुत ही ज़्यादा डीप नैप ले रही है, तो इसीलिए मुझे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैं यही थी कि आश्वी को पहले अच्छे से खिला दूँ, खिला पिला करके फिर सुलाऊँगी, ताकि वो थोड़ा 2-3 घंटे अच्छे से सोए, फिर जा करके मैं आराम से अपना जो भी सजना संवरने वाला जो काम होगा फिर वो करूँगी। क्योंकि क्या होता है नेल पेंट वगैरह लगा लेंगे फिर हम पकड़ेंगे तो सारा ख़राब हो जाता है ना, फिर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, एंड उसके बाद दोबारा अगर कोटिंग करते हैं नेल पेंट का तो बहुत ही गंदा सा लगता है, इसलिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से देखिए जो मेरा पैर का और हाथ का था नेल पॉलिश आलता सब कुछ हो गया है। तो अभी और साथ ही साथ मेरा जो भी थोड़ा ज्वेलरी वगैरह है तो वो भी मैं वियर करूँगी, तो इस तरीके से थोड़ा रिंग वगैरह है, तो डेली बेसिस पे भी मैं रिंग इतना पहनती नहीं हूँ, मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है इतना सारा पहनना, तो कभी कभी एक होता है या फिर कभी पहनती ही नहीं हूँ। तो आज मैं सोची कि नहीं यार पूरे अच्छे से अपना श्रृंगार करूँगी, तो सारा चीज़ जो भी मेरे पास है ज्वेलरी वो सारा मैं आज वियर करूँगी, और आज मेरा ऐसा है कि चलो एकदम दुल्हन की तरह ही तैयार होंगे। तो आपके आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा कि दुल्हन की तरह मतलब कैसे मैं लग रही हूँ, सच में दुल्हन की तरह तैयार हुई भी हूँ कि नहीं हुई हूँ, कैसा लगा आपको मेरा पूरा लुक, ये सब देखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो पे बने रहिए। और साथ ही साथ जो मेरे हस्बैंड भी करवा चौथ रख लिए और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था, तो ये इसका कहानी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, वीडियो पे बने रहिए। तो अब मैं फेस का मेकअप करूंगी, तो उससे पहले सोची कि आश्वी उठ गई थी तो आश्वी को थोड़ा सा मतलब केयर कर लेती हूँ, आश्वी को कपड़ा वगैरह चेंज करना था वो कर दी, एंड सोची कि थोड़ा सा और खिला उला देती हूँ ताकि वो थोड़ा अपना खेलते रहेगी और मैं फिर अपना तैयार होते रहूँगी। और अभी थोड़े ही देर में हस्बैंड आने वाले भी है, तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड आ ही चुके हैं, और आश्वी इतना ज़्यादा एक्साइटेड इसीलिए है कि उसके पापा आ गए, और जब भी आश्वी के पापा आते तो आश्वी इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती ना, अलग से उसका फेस में ना खुशी होता है, और अपने पापा के साथ फिर ना बहुत खेलती है, जैसे कि आप अभी देख ही रहे हैं इस तरीके से दोनों अपने में लगे रहते हैं, और आश्वी अब जब पापा इसके आते तो मुझे भूल जाती है आश्वी। तो आज मेरे हस्बैंड ने बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ दे दिया मुझे, और बहुत ज़्यादा मैं खुश भी हुई। तो क्या सरप्राइज़ है ये आपको मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। तो यहाँ देखिए दोनों मस्ती कर रहे हैं, और साथ ही साथ में मेरा जो भी तैयारी वगैरह है अब मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा जो भी साड़ी वगैरह है वो सब कुछ इस तरीके से मैं देखिए रख रही हूँ बेड पर, और ये वाली जो आप देख रहे हैं साड़ी आज मैं यही वेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा जितना भी ज्वेलरी वगैरह चूड़ी वगैरह सब कुछ है, तो इस तरीके से सब कुछ हम रख लेंगे बेड पे, और लहठी वगैरह भी मैं पहन रही हूँ, क्योंकि हमारे में ऐसा होता है कि लहठी पहनना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है, साथ ही में हमारा जो शादी का चुनरी वगैरह होता है वो भी ओढ़ना होता है। तो इस तरीके से, और ज़रूरी नहीं है कि शादी का ही चुनरी ओढ़ना है, कोई भी चुनरी आप ओढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ अच्छे से तैयार हो गया है, और मैं अभी क्या करूँगी, पहले थोड़ा तैयार होने से पहले जहाँ पे मैं पूजा करूँगी उस जगह को ना मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, पोछा लगा लूँगी हाथ से, और उसके बाद मैं फिर जा करके मैं तैयार होंगी, क्योंकि तैयार होने के बाद फिर पोछा लगाना अच्छे से हो नहीं पाएगा। और यहाँ देखिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ मुझे आज ये मिला है कि आज मेरे हस्बैंड बोले हैं कि तुम बस अपना पूजा पे ध्यान दो, और जितना खाना बनाने वाला जो काम है आज मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए, जो तुम अपना जो फास्ट तोड़ोगी तो उसके लिए। तो आज मेरे हस्बैंड बोले कि मैं तुम्हारे लिए 11 आइटम बनाऊंगा,
तो मैं तो एकदम ज़्यादा शॉक्ड हो गई, मुझे लगा था मजाक कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने सच में 11 11 आइटम बनाया। तो आपको लास्ट में दिखेगा कि इन्होंने क्या क्या बनाया। और साथ ही देखिए आशवी कितना परेशान कर रही है, आलू आलू हो गया, प्याज हो गया, हर चीज़ इधर से उधर छीट रही है। फिर मैं अपने हस्बैंड को बताई कि देखिए कितना परेशान करती है, और मैं जब अकेले रहती हूँ तो कैसे मैनेज करती हूँ सब चीज़। और यहाँ आशवी देखिए चॉकलेट खा करके अपना हाल क्या कर ली है। तो गाइज आज मेरे हस्बैंड फास्ट रखे थे, और वो पता है क्यों रखे थे? ऐसे क्या हो गया कि सुबह सुबह ना सरगी करने के लिए मैं उठती हूँ, तो क्या हो गया अलार्म बजा नहीं, और ना मैं अपने हस्बैंड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उठाने का, तो वो ना उठा नहीं पाए मुझे। तो उनको ना बहुत ज़्यादा गिल्ट हो गया कि मैं मतलब कि अपनी वाइफ को उठा नहीं पाया, कुछ पानी वगैरह कुछ भी खाई पी भी नहीं सुबह, तो उन्हें ना बहुत ज़्यादा ये हो गया। तो वो क्या किए, वो ना वो भी कुछ नहीं पा, ना पानी पिए ना खाए वो भी नहीं। और मुझे ना ये चीज़ पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो स्टडी करने के लिए बाहर गए थे, और घर पे मैं मतलब बार बार कॉल करके पूछ रही थी कि आपने कुछ खाया आपने कुछ खाया, तो बोल रहे थे हाँ मैं खा लिया खा लिया। तो मुझे यही लग रहा था कि हस्बैंड तो खा रहे बाहर, ठीक है, लेकिन ना वो कुछ भी नहीं खाए थे और मुझे ये पता ही नहीं चला। और जब मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि मैं घर पे बनाती हूँ, तो वो एकदम मना कर दिए कि नहीं नहीं तुम मत बनाओ। और इस तरीके से देखिए मेरे हस्बैंड भी फास्ट हो गया, और यहाँ पे देखिए मेरा पूजा वगैरह भी एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया है। और भी बहुत सारा जो चांद वगैरह देखते हैं ना, वो वाला सीन मैं ऐड नहीं कर पाई, क्योंकि क्या हो गया आशवी ना गिर गई थी, तो आशवी के नाक पे और मुँह पे ना बहुत ज़्यादा चोट लगा, और ब्लीडिंग वगैरह भी हो रहा था। इस चक्कर में ना बहुत सारा सीन हम ले नहीं पाए। तो देखिए अब चांद भी तो आ गया है, और इस तरीके से अब हम चंद्रमा का पूजा कर लेंगे। और गाइज यहाँ देखिए अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, और अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट का ना एक खुशी अलग होता है। और हस्बैंड यहाँ पे देखिए मुझे डायमंड का नोज पिन दिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए 11 आइटम 11 पकवान मेरे हस्बैंड बनाए, और सारा अकेले बना, इसमें मैंने एक हेल्प नहीं किया, सब कुछ हस्बैंड ने अकेले ही मैनेज किया। तो इस तरीके से आप देख ही सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड के मेहनत के लिए और इतना सारा खाना बनाने के लिए एक कमेंट मेरे हस्बैंड के लिए ज़रूर लिखिएगा। और आप लोगों को बता दूँ सारा खाना जो भी था ना, सब में नमक भी परफेक्ट था, और खाना भी इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। अगर आप लोगों को खिला सकती तो आप लोग ज़रूर खा करके ये अनुभव कर सकते थे कि कितना अच्छा बना है। तो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये है ऑल ओवर लुक, मैं पहले जैसे तैयार हुई थी तो ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ये लास्ट का सीन है, तो जल्दी जल्दी मैं सोची कि चलो अपना लुक थोड़ा दिखा देती, तो यही है मेरा करवा चौथ का लुक। बाय बाय।